स्तिफनुस और फिलिपुस। पहला मसीही अगवा मन के मांझा मा स्तिफनुस नाम के एक जन पुरुष रहिस। सब मन से ओकर आदर करत रहिन। पवित्र आत्मा हर ओला बनेच सामर्थ और बुद्धि दे रहिस। स्तिफनुस हर बनेच चमत्कार करे रहिस। जब ओहर यीशु के ऊपर भरोसा करे के विषय मा ओमन ला शिक्षा दिस तब बनेच मन से मन हर ओकर ऊपर विश्वास करिन। एक दिन स्तिफनुस यीशु के बारे में शिक्षा देत रहिस और कुछ ऐसने यहूदी आइन जोन मन हर यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करे रहिन और ओकर संग वाद विवाद करे बर शुरू कर दिन। ओमन बनेच रिसा हो गिन। इकर बर ओमन धार्मिक अगुआ मन ठीक गिन और ओकर बारे में झूठ कहिन। ओमन हर कहिन हमन हर स्तिफनुस ला मूसा और परमेश्वर के विषय में बुरे गोइट मन कहत सुने हन। इकर बर धार्मिक अगुआ मन हर स्तिफनुस ला गिरफ्तार कर लीन और ओला बड़े महापुरोहित और यहूदी मन के आने अगुआ मन के आगू मा ले आइन और घोले झूठा साक्षी आइन और ओ मन हर स्तिफनुस के बारे मा झूठ कहिन। महापुरोहित हर स्तिफनुस ले पूछिस का ई मनसे मन तोर विषय मा सच कहत हैं। स्तिफनुस हर महापुरोहित ला उत्तर दे बर बनेच गोइट मन ला गोठियाए बर शुरू कर दिस। ओहर कहिस कि अब्राहम के समय ले यीशु के समय तक परमेश्वर हर इजराइल के मनसे मन बर बनेच अद्भुत काम करिसे, लेकिन मनसे मन हर हमेशा परमेश्वर के आज्ञा ला नी मानत रहिन। स्तिफनुस हर कहिस तुमन परमेश्वर के विरोध मा जिद्दी और लड़ाई करे वाला, तुमन हमेशा पवित्र आत्मा ला अस्वीकार करे हा, जैसन कि हमर पूर्वज मन हर हमेशा पवित्र आत्मा ला अस्वीकार करे रहिन और हमेशा ओकर भविष्यवक्ता मन ला मार डारे रहिन। लेकिन जोन ओमन करे रहिन ओकर बदला मा तुमन और घोले बुरा करे हा, तुमन मसीह ला मार डारा। जब उ धार्मिक अगुआ मन हर ई सुनिन त ओमन अतकी रिसा होगिन कि ओमन अपन कान मन ला बंद कर लीन और ऊंची आवाज में नरियाइन। ओमन स्तिफनुस ला घसीटत नगर ले बाहर ले गिन और ओला मार डारे बर ओला पथरा मारिन। जब स्तिफनुस मरत रहिस ओहर नरियाइस हे यीशु मोर आत्मा ला ग्रहण कर, तहां ओहर अपन घुटना मा गिर पड़िस और फेन नरियाइस हे प्रभु ई पाप ला ओमन ऊपर नी लगावे, तहां ओहर मर गिस। उ दिन यरूशलेम के रहे वाला बनेच मन से मनहर यीशु के डहर मा चले वाला मन ला सताए बर शुरू कर दिन। इकर बर विश्वासी मन आने जगह मन ला भाग गिन। इकर बाद घोले जोन करा घोले ओमन गिन ओठी ओमन हर यीशु के विषय मा प्रचार करिन। फिलिप्पुस नाम के यीशु के एक जन विश्वासी रहिस, जैसन कि आने बनेच विश्वासी मन हर करे रहिन। ओहर घोले यरूशलेम ले भाग गिस। ओहर सामरिया के क्षेत्र मा चले गिस। ओकरा ओहर मन से मन के मांझा मा यीशु के बारे में प्रचार करिस। बनेच मन से मन हर ओकर ऊपर विश्वास करिन और उद्धार पाइन। एक दिन फिलिप्पुस थी परमेश्वर के अंगले एक झन सरक दूत आइस और ओला जंगल मा जाय बर और एक ठन डहर मा रेंगे बर कहिस। फिलिप्पुस उठी चल दिस। जब ओहर उ सड़क मा रेंगत रहिस तो ओहर एक झन मनसे ला अपन रथ मा जात देखिस। ई मनसे कुश देश के एक ठन महत्वपूर्ण अधिकारी रहिस। पवित्र आत्मा हर फिलिप्पुस ले कहिस कि ओहर जाके उ मनसे ले गोठियाए। इकर बर फिलिप्पुस रथ के लकठा मा गिस। ओहर सुनिस कि उ कुशी परमेश्वर के वचन ला पढ़त रहिस जोन ला यशायाह भविष्यवक्ता हर लिखे रहिस। ओहर ओला पढ़त रहिस। ओमन ओला बलि करे वाला भेड़ के जैसन ले गिन और जैसन एक ठन मेमना शांत रथे ओहर घोले एक शब्द नी कहिस। ओमन हर ओकर संग अनुचित व्यवहार करिन और ओकर आदर नी करिन। ओमन हर ओकर प्राण ले लिन। फिलिप्पुस हर उ कुशी ले पूछिस जोन ते पढ़त हस का ते ओला समझत घोले हस। उ कुशी हर उत्तर दिस नी, जब ले कोनो इला मोला नी समझाही तब ले मैं इला नी समझ सकूं। कृपा करके मोठी आके बैठ और मोला बता कि का यशायाह इला
अपन विषय में लिखत रहिस या कोनो आने के। फिलिप्पुस हर रथ ऊपर चढ़ के बैठ गिस, तहां ओहर उ कुशी मनसे ला ओला बताइस जोन ला यशायाह हर यीशु के विषय में लिखे रहिस। फिलिप्पुस हर परमेश्वर के वचन के बनेच आने भाग मन के घोले चर्चा करिस। ऐसने प्रकार ले ओहर उ मनसे ला यीशु के विषय में शुभ संदेश ला सुनाइस। फिलिप्पुस और उ कुशी यात्रा करत पानी के लखठा में आइन। उ कुशी हर कहिस, देख इठी पानी है, का मैं बत्तीसमा ले सकत हौ? और ओहर सारथी ले रथ ला रोके बर कहिस। इकर बर ओमन पानी में चल दिन और फिलिप्पुस हर उ कुशी ला बत्तीसमा दिस। जब ओमन पानी ले बाहर आइन त पवित्र आत्मा अचानक ले फिलिप्पुस ला उठा के कोनो आने जगह में ले गिस। ओटे फिलिप्पुस हर मनसे मल्ला यीशु के विषय में बताए बर जारी राखिस। उ कुशी अपन घर के यात्रा में आगे बढ़ गिस। ओहर खुश रहिस कि ओहर अब यीशु ला जानत रहिस। प्रेरितों के काम अध्याय 6-8 ले अध्याय 8-5 अध्याय 8-26 ले 40 ले बाइबिल के एक ठन कथा।